हेलो, ये महुन पवार। ये दो जो आपको पार्किंग लाइट दिख रही हैं, आप समझ गए होंगे कौन सी गाड़ी है अपने पे। भाई एक ही है, कई भाई कहते भी हैं बलेनो करता रहता है, तो उसी के ऊपर भाई फिर से आज वीडियो है। इसके बाद हम लाइट चेक करने वाले हैं कि लाइट्स का इसका कैसा परफॉर्मेंस निकल के आता है रात में। फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 10, पूरा अभी लॉकडाउन का भी वक्त है, तो पूरा जो है अंधेरा है पूरे रोड पे। कोई गाड़ी, कोई आपको बाइक वगैरह नहीं दिखेगी, तो मैं आज इस वीडियो को यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो आज इसमें जो प्रोजेक्टर्स आते हैं, ये जेटा वेरियंट है जिसमें आपको LED मिल जाती है। अभी है जो मैंने पार्किंग लाइट्स ऑन कर रखी हैं, आपको दिख रहा होगा कि इनकी जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे बनी आती है ऐसे करके। तो ये बस आपको वीडियो में ही दिख रहा है, वैसे आएगी भी कैसे ये। तो ये जो पार्किंग लाइट्स हैं बस रात में ही ऐसे बढ़िया लगती हैं अगर आप पार्किंग लाइट्स को ऑन कर देते हैं। पीछे से एक बार दिखा देता हूँ, फिर इनके जो मेन इनके जो हेडलैम्प्स हैं उनकी कितनी उजाला है, कितना सही है। अगर कोई बंदा अपग्रेड उनको भी करवाए तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, उस चीज़ को हम देखेंगे। ये पीछे से ऐसी लगती है इसकी, ये LED टेल लैम्प जलती रहती हैं। आप गौर से देखेंगे तो एक एक LED इसमें चमकती है। ये पीछे रिफ्लेक्टर्स भी अगर आप लगवा लेते हैं, आफ्टर मार्केट वाली चीज़ है, तो वो आपको देखने 300 रुपये के मात्र हैं ये। खैर आप देख लेते हैं मेन चीज़ कि अपनी जो लाइट्स हैं इनका क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे मैंने देखो जो ये नोब होती है ना, इस पे कर रखी है बीच में, यहाँ पे ऑफ हो जाती है, कुछ भी नहीं जलेगा। यहाँ पे आपकी बीच में ही जल जाती है, यहाँ पे बना भी आ जाता है। प्लस आप जैसे इसको कर देते हैं, आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स AC के ये और आपके स्टीरियो के ये सब बटन्स हैं जो ऑन हो जाते हैं। अब आप देखना इसका जो लाइट्स हैं वो कैसी चमकती हैं रात में। जैसे ही मैंने ऑन करी, ये इसका हाई बीम है, ये स्टॉक है भाई जो कंपनी से आता है, ये लो बीम, ये हाई बीम, देख रहे हो डिफरेंस। खैर अभी हम चलते हैं, फिर आपको मैं और ज़्यादा दिखाऊंगा और ये भी बात करेंगे कि रिफ्लेक्टर्स और प्रोजेक्टर्स में आपका क्या डिफरेंस रहता है, प्रोजेक्टर्स किस तरीके से बेहतर है। और आजकल आप जिन्हें देखा होगा, सभी कंपनियां बेस मॉडल से ही प्रोजेक्टर्स देती हैं। क्रेटा ई का एग्जाम्पल दे दूँ मैं, क्रेटा जो 2020 वाले ये ई वेरियंट से आने लग गया है। बलेनो का ही दे दूँ, सिग्मा में केवल आपके रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हेलोजन लाइट्स है, बाकी सब में आपको डेल्टा वेरिएंट से ही प्रोजेक्टर्स मिलते हैं। अब जो नई आइडेंटिटी आएगी उसमें भी आपको प्रोजेक्टर्स मिलेंगे। और आपने देखा होगा ये बंदे ने पहले ही लो बीम लाइट कर ली थी, ट्रैक्टर है, तो बस यही व्हीकल कुछ आपको रोड पे दिखेंगे। और टाइम आप देखेंगे तो फिलहाल 9:53 हो रहे हैं, तो ये सिंक नहीं है इसका ना, अल्ट्रोज की तरह दोनों चीज़ें सिंक नहीं है, तो इसमें अलग आता है, कई बार इसमें अलग रहता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये लो बीम है इसकी, और अभी आपको लग रहा होगा कि पूरा उजाला है, और मैं इनको कभी फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहूँगा या नहीं। अब मैं आपको लो बीम दिखाऊँ क्योंकि सामने व्हीकल नहीं है, बहुत जोर पड़ता है जो LED लाइट्स होती हैं, और जो खासकर जो सफ़ेद लाइट होती हैं आपकी बहुत ज़्यादा सामने वाले नज़र डालती है। हम ही किसी बलेनो को आता देख लें या किसी भी गाड़ी को देख लें जिसमें ये LEDs लगी हो वाइट रंग की, तो अपनी आँखों पर बहुत जोर पड़ता है अगर उसके हाई बीम पे हो, जैसे हाई बीम पे चल रहा है। अब जैसे मैं आपको दिखा दूँ, और जैसे ये है इसका हाई बीम, अभी सामने व्हीकल नहीं है तो बहुत ज़्यादा आपको फिर तो विजिबिलिटी मिल जाती है। अब जैसे सामने बाइक वाला आ रहा है तो उसको बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा। मतलब मैं 100% अपनी लाइट्स से सेटिस्फाइड हूँ, कभी मैं फ्यूचर में अपग्रेड नहीं करूँगा। उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ, डलवाऊँ क्या, HID हाई इंटेंसिटी कुछ करके उसकी फुल फॉर्म है। अब HID का जो मैंने कई वीडियोस वगैरह देखी हैं उसमें लोग बताते हैं कि वो कुछ टाइम बाद है जो आपकी ग्लो करती है। अब अपने को शौक है भाई डिपर मारने का, सामने से कोई गाड़ी आ रही हो साइड नहीं दे रहा हो तो मतलब डिपर मारने का एक अलग ही स्वाद आता है, तो वो चीज़ उसमें फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। अगर जैसे आपका वो अगर बताते हैं जैसे टाइम लेते हैं 4-5 सेकंड वो गर्म होकर जब जलती है, इतने में डिपर का 1 सेकंड का काम होता है, फिर वो मज़ा नहीं आएगा उसमें, इसलिए वो तो भूल जाओ। कभी मैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी भी लूँगा अगर उसमें भी मेरे को HID या LED नहीं मिलते तो मैं उसमें भी कभी HID तो अपग्रेड करूँगा नहीं। LED के बारे में हम सोच सकते हैं, जैसे बलेनो में अपना देखना, डिपर मार के दिखाऊँगा मैं, लाइट्स बंद, बिल्कुल बंद है, देखो मतलब इंस्टेंट विद इन अ सेकेंड, देख रहे हो भाई जो स्पीड ऑफ लाइट तेज होती है ना, वो चीज़ है, वो आपकी HID में नहीं मिल पाती है। अब आप मैं इस पुल के नीचे आपको प्रोजेक्टर्स का अब मतलब समझा देता हूँ। ये वाली लाइट देखो आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी स्ट्रेट, ये तो हाई बीम है। अब मैं लो बीम पे कर लेता हूँ, अब आपको मेन दिखेगा पूरी स्ट्रेट। यहीं पे अगर मैं रिफ्लेक्टर वाली गाड़ी को ले आता हूँ तो वो फेल ही रहेगी, चाहे तो ऊपर तक जा रही है, आपको ये डॉक्टर सागर वगैरह ऊपर तक दिखेगा, फेल जाती है पूरी लाइट। आपको जो मेन चीज़ ये होती है ना कि रोड पे आपका फोकस रहे, वो चीज़ आपको उसमें नहीं मिल पाती है जो कि प्रोजेक्टर्स में आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी लाइट होती है। और पुल देखो कितना बड़ा होगा ये पुल, अपनी गाड़ी जो सेंटर में खड़ी है और फिर भी आपका पूरा आपको
इधर साइड पूरा उजाला मिल जाता है, लाइट फैलने की बजाय एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ये फायदा होता है आपकी प्रोजेक्टर्स का, लुक तो आती ही है साथ के साथ आपको विजिबिलिटी बढ़ाने में भी काफी हेल्प करते हैं, इसीलिए जो कंपनीज है वो प्रोजेक्टर्स डालने लग गई हैं अपनी हर गाड़ी में। फिलहाल जो है मैं लो बीम पे लेके चल रहा हूँ इसको, हाई बीम भी ऐसा नहीं कि मैं भी कभी नहीं करता, जब व्हीकल ना आ रहा हो सामने से तो जरूर हाई बीम पे चल लेते हैं, क्योंकि ऐसे एरिया में जब आप चलोगे ना जंगल वगैरह में, जैसे गांव वगैरह के अपने रोड होते हैं, यहाँ पे नीलगाय जो होती है ना वो एकदम से निकल के आती है, वो एक ऐसा पशु है भाई, उसको मतलब नहीं रोड है या कोई सवारी भी आ सकती है, व्हीकल भी आ सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, वो तुरंत आता है एकदम, और इतने एक्सीडेंट होते हैं उस चीज़ से, तो इसलिए हाई बीम पे चलना पड़ता है जिससे दूर से ही दिख जाए। लो बीम पे चलेंगे तो देखो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी आपकी कम हो जाती है, सामने से कोई व्हीकल आ रहा हो तो उसकी जो लाइट है उससे भी अपने को हेल्प मिल जाती है, तो इसलिए लो बीम अगर दोनों बंदे कर लेते तो वो काफ़ी बढ़िया बात है। अभी तो लॉकडाउन के वक्त कोई आ नहीं रहा तो मैं वो चीज़ नहीं करके दिखा सकता कि 90% लोग है जो नहीं करते हैं, अगर आप सामने से लो बीम करते हैं, अभी दिखाऊंगा, ये बंदा आ रहा है बाइक पे, चलो बाइक का तो कह रहे हैं, क्या लो बीम करी मैंने, नहीं करते, मतलब बाइक का तो चलो छोड़ो है, इतना अपने को अपने ऊपर जोर नहीं पड़ता बाइक का, पर आजकल LED आने लग गई हैं बाइक में भी कई में, तो उसमें जोर पड़ता है ज़रूर, पर कार का ज़्यादा सीन बन जाता है, जैसे कई स्कॉर्पियो वगैरह लेते हैं तो फुल हाई बीम कर लेते हैं, पर यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो सेटिंग, हेडलैम्प जो यहाँ पे लेवलर होता है उसमें 0 से लेकर 4 तक सेटिंग होती हैं, तो उसको तो फुल 4 पे करके चलेंगे और वो फिर लो बीम भी नहीं करते हैं। अब मैं ही करना भूल गया, देखो कई बार ये भी हो जाता है, देखो यहाँ पे फैलती नहीं है लाइट आपकी, दूर तक पूरी जाती है, देख रहे हो आप भाई, तो अब मैं बलेनो की जो लाइट्स हैं इनसे फुल संतुष्ट हूँ, बहुत मज़ा आता है रात को ड्राइव करने में, 1% भी कभी फील नहीं होता कि भाई लाइट्स कम है, और ज़्यादा होनी चाहिए थी, बिल्कुल प्रॉपर लाइट दे रखी है मारुति ने, कोई दिक्कत वाली लाइट ही बात ही नहीं है, और वाइट है बहुत ही अच्छी लगती है डिप्पर मारने में स्पेशली। तो वीडियो देखने आपका धन्यवाद, पसंद है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अरुण पवार के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू सो मच।